स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंडी नौनी में। तो अभी मैं आ रही हूँ जंगल में अपनी मामी नानी के साथ, वहाँ पीछे मेरी मामी आ रही हैं अभी। तो आज हम आ रखे हैं लेंगड़े के लिए जंगल में। यहाँ है बहुत घना जंगल जहाँ से हम लेंगड़े निकालने वाले हैं, और पर यहाँ भालू की बहुत डर होती है। यहाँ पर भालू सब डरा रहे हैं कि यहाँ पर भालू है, तो पता नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता, वो तब देख के ही पता चलेगा भालू है कि नहीं। पर अभी हम फिलहाल हमारा जो पूरा टारगेट है वो है लेंगड़े निकालना। पता नहीं और इसे क्या बोलते हैं, पर पहाड़ में से लेंगड़ा ही बोलते हैं, और ये बोलते हैं कुछ। अभी ध्यान से उतर गया मेरे, और यहाँ पीछे आपको ये जो दिख रहे हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये झाड़ आपको जो दिख रहे हैं ये है रिंगाल के झाड़। मेरे पीछे भी आपको दिख रहे होंगे, ये सारे रिंगाल के झाड़ है जिससे वो कंडी चंगेरी टोकरी वगैरह बनती है ना, तो वही वाला रिंगाल है। तो यहाँ पे लोग बहुत बनाते हैं, ये देखिए लोगों ने यहाँ काट काट के भी डाले हुए हैं ऐसे, इनको फाड़ के फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेरे को नहीं पता उतना। अभी हम लेंगड़े निकालेंगे, ये हम मेरी मामी जो कि हाँ मैं दोनों निकालेंगे हम लेंगड़े, और मेरी नानी बोल रही थी मैं थोड़ा घास निकालूंगी, हम लेंगड़े निकालेंगे। और अभी हम तो यहाँ आगे एकदम घनघोर जंगल पूरा आपको दिख सकता है, यहाँ पूरा घना जंगल है, और हम तीन चार आ रखे इधर। और दोस्तों लेंगड़े तो मुझे मिल नहीं रहे, अभी तक एक भी लेंगड़ा नहीं मिला, और मैं यहाँ सर खा रही हूँ, क्या करना, तो करना ही है। इतनी बड़ी बड़ी सर, इसको खाने भालू भी आता है, पहले मैं खाती हूँ फिर भालू मुझे खाएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी गहरी खाई है इधर, और कितना घरा कितना घना जंगल है यहाँ पे। यहाँ पे तो भालू होना निश्चित है, भालू तो होगा ही, ऐसे पानी निकल रहा है, और देखिए और से पानी निकल रहा है। मैं भी इस खाई के ऊपर से ऐसे लेटी हुई, मज़े ले रही हूँ। ये मुझे गरुड़ पंख मिला, ऐसे कलर का बोला गरुड़ पंख है, मैंने अपने सिर पे लगा दिया बंजारन जैसा। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, डर लग रही भाई ऐसे, बहुत खतरनाक है यहाँ पे, डर लग रही है। पीछे देख सकते हैं पूरा जंगली जंगल है, नीचे खाई है, फिर इस साइड भी जंगल है, और इस साइड भी पूरा जंगल है, पर यहाँ एक भी लेंगड़ा नहीं है। बात तो ये है ना, हम कितने से आई थी लेंगड़े लेने, सारा प्लान खराब। दोस्तों मैं यहाँ कैसे पहाड़ों पे बैठ रखी हूँ, ऐसे गिरना मौत आना बराबर है। और यहाँ पीछे खाई, यहाँ से और नज़दीक दिखती है वो खाई, फिर मुझे लेंगड़े मिल ही नहीं रहे भाई, मैं तब से ढूंढ रही हूँ लेंगड़े अब मिल ही नहीं रहे। अभी ढूंढने की मानी अभी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं कुछ नहीं मिला इधर, और उसके बदले हमने यहाँ पे घास निकाला है थोड़ा, और थोड़ा पीछे मामी और मैंने लकड़ी निकाल दी। एक भी लेंगड़े नहीं है, पहले इतने ज़्यादा होते थे, इतने ज़्यादा तब तो मन भी नहीं करता था, और इस टाइम एक भी नहीं है। चलो घास तो निकाल दिया कम से कम, अच्छा हुआ सिर्फ लेंगड़े लेने ही नहीं आए, तब तो खाली जाना पड़ता। अब पूरा जंगल घूम गए, एक भी लेंगड़ा एक भी नहीं मिला, एक मिल भी जाता तो उसका करना ही क्या था, तब घास निकाल दिया तब घर ही जाना पड़ेगा, और क्या करना है यहाँ पे। यहाँ अभी सब अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरे पाँव में क्या सुंदर सुंदर तिल आ गए हैं, ये देखिए। हमने अब घर जाने की तैयारी कर दी है, ये मेरी मामी, और पीछे आ रही नानी, ये देखिए मेरे। अब हम जा रहे हैं घर, चले चलते हैं, छक चढ़ के लो यार, कितना बड़ा पहाड़ है। मामी जी घास निकाल रही है।
झंगोर छी अपन जाता था मुझे हम जंगल से आधे रास्ते पहुंच गए हैं अभी और भाई ये तो बहुत अजीब हो रहा, पता नहीं कैसा टूटा हुआ चिंगेरा ला रखा नानी ने, इतना दर्द हो रहा ना कमर में बहुत। यहाँ उधर रह गया गांव, पीछे आपको दिख रहा होगा वहाँ गांव है, और अभी हम आधे रास्ते हैं और यहाँ पीछे है जंगल ये देखिए। और मामी अभी यहाँ, अभी भी मेरी मामी को लकड़ी के वो नहीं हुआ, अभी लगी हुई लकड़ी काटने पे। मिली थे मैं यहाँ लाखड़ा ठुला भारा लिए थे हम तो थोक ले गया आज अब मैं तो हूं चढ़ के लेवे जन करियो मेरी नानी। ये है नानी औरों की गौशाला, आइए उपले छाप रखे गो से छाप रखे नानी ने। और यहाँ अभी तार बाढ़ हो रखे हैं और यहाँ अंदर से हमारी गाय माता में देख रही है। धान जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की सार कितनी अच्छी है ना, तो मस्त। पुराने घर जहाँ पे पहले कोई दीदी लोग रहते थे और अब उन्होंने गांव में निकाल लिया घर, तो ऐसे घर देख के पुरानी यादें ताज़ा हो रही कि अरे पहले हम कैसे रहते थे यहाँ पे। और यहाँ पीछे है पूरी गांव की सार, बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पीछे है गौशाला है, ये है मेरे छोटे नाना जी, हाँ जी। मानी सिर्फ मेरे नाना जी बचे हुए अब खत्म। क्या कहना ना तुम्हें यहाँ क्या कहना कोई बताना कोई बुधान है बुढ़े तो को तुम्हें बुधान अकेले बुधान तब ते ते माँ का तब से ना नौकरी पड़ा बाह मैं छोड़ रही हूँ बारी ना जा रही हूँ घर, मेरे पास ये छोटी सी लकड़ी उसको लेके मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं क्यों ये रखा हुआ मैंने ये कंधे में, मामी तो चले गई।
और दोस्तों मैं यहाँ पे फुल लाइफ इंजॉय कर रही हूँ भाई, अरे पूरा बचपन है ताज़ा कर रही हूँ अपना। तो बहुतों को जलन हो रही, मुझे पता है बहुत हैं ऐसे, पर उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उन्हें पता चले कि मैं ऐसी हूँ। अच्छा झबरू है खाने के लिए भाई, खाने के लिए आता सिर्फ मेरे साथ, मेरे शुआन है ये। चल चल मेरे को सब कुत्ते इतना अच्छा मानते, सब बोलते काटने आता, मेरे को नहीं आता काटने। हम पहुंच गए हैं, पहुंच गए घर। यहाँ हमने लकड़ी डाल दी है नीचे और हम थोड़ा सा थकान लग गई है बहुत भाई, जब लगी थकान दो चार सांस नहीं ली और चाय बनो ले, चाय बनाती हूँ, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा इधर उधर बेड में इधर उधर लोट पोट होते हैं थोड़ा। चलिए चाय बनाते हैं, सबसे पहले मिलते हैं आपसे चाय बनाते हुए। बन रही है चाय, चाय बन रही है चाय, और मेरी मामी जी बना रही हैं चाय इधर। इसमें पड़ गया है दूध, चाय मैं पीती नहीं, बस वीडियो बना रही हूँ। खाना वाना हो गया है और साथ ही साथ मैं नहा भी गई हूँ, तो थोड़ा सा आराम करते हैं और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।